जय हिंद साथियों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी डिग्री पार्ट टू के एग्जाम देने वाले तमाम कैंडिडेट के लिए है। आप लोगों के जो प्रस्तावित एग्जाम की तिथि है वो 26 जून 2023 है। क्या 26 जून 2023 से एग्जाम शुरू हो जाएंगे या नहीं होंगे, साथ में आप लोगों के एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट कब जारी होने की बात कही जा रही है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वहीं अभी भी अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए हैं ना, तो फिर भी आप कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को ऑन करके जरूर रखिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहली बात देखिए, डिग्री पार्ट टू के एग्जाम की जो प्रस्तावित तिथि है वो है 26 जून 2023, ठीक है। और अभी तक एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट भी जारी नहीं किया गया है, जो कि हो जाना चाहिए। एग्जाम से 15-20 दिन पहले एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट जारी हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। साथ में आप लोगों को अपने एग्जाम की जो तैयारी है ना, वो 26 जून के मद्देनजर ही करना है। और अभी भी आप तैयारी कर सकते हैं, और वो है रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर से। आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर खरीद लीजिएगा, चाहे आप ऑनर्स का हो, सब्सिडरी का हो या जनरल सब्जेक्ट का हो, आप खरीद लीजिएगा और उससे अवश्य तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सभी दिया गया है और उसका आंसर भी दिया गया है। और पता होगा कि ये विश्वविद्यालय में जब भी एग्जाम होता है तो प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आप लोगों को देख लेना है और अच्छे एग्जाम की तैयारी हो जाएगा उससे, ठीक है। तो रेखा प्रकाशन का आप लोग ले लीजिएगा। चलिए देखिए, आप लोगों को पता होगा कि डिग्री पार्ट टू के जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे कि उनका पेमेंट कट जाता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है, पेमेंट रिसीव नहीं डाउनलोड हो पाता है, तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिला है। तो इसी को देखते हुए अभी तक एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंटर लिस्ट नहीं जारी किया गया है। और अभी मैंने दो छात्र नेता से बात किए हैं, सबसे पहले तो JSCP के छात्र नेता कुणाल कुमार पांडे जी से, और दूसरा MSU के छात्र नेता आदित्य मिश्रा जी से, ठीक है। दोनों से बात किए हैं और दोनों ने क्या जवाब दिए हैं और किसने किनसे बात किया वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, अभी दोनों छात्र नेता से बात किए हैं तो दोनों का कहना है कि अभी जो प्रस्तावित तिथि दिया गया है 26 जून 2023, तो उससे एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। और एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट के बारे में पूछे कि अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया, तो उन्होंने बताया कि 23 तारीख तक, जो तो 23 जून तक एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट देखने को मिलेगा। और वहीं कुणाल कुमार पांडे जी कह रहे हैं कि अंतिम तिथि जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी करने की है ना, वो 26 जून 2023 है। देखिए मामला क्या है, कुणाल कुमार पांडे जी यह भी कहे हैं कि देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट का अभी भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको देखते हुए एक डेट हो सकता है कि पार्ट टू के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेकर फिर से दिया जाए, और वो हो सकता है, ठीक है। वो मिलेगा आप लोगों को, जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, जिनको दिक्कत हो गया है, उनको एक डेट अवश्य मिलेगा। और साथ में एग्जाम जो आप लोगों को 26 जून दिख रहा है ना, वो हो सकता है कि इसकी तिथि बढ़ जाए, जुलाई में चला जाए, ठीक है। ये मैं अभी संभावित ही कहूंगा, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी हो जाता तो कंफर्म डेट पता चल जाता, लेकिन अभी एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब जो बताए हैं वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब के हिसाब से मैं आप लोगों को बताया हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों छात्र नेता एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब को ही फोन कॉल किए थे, और उसके बाद जो इन्होंने जो बताए हैं वो मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो यही आप लोगों को याद रखना है कि संभावित तिथि 26 जून है, इसी के मद्देनजर एग्जाम की तैयारी करना है। एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट में टाइम लग सकता है, और जैसे एग्जामिनेशन प्रोग्राम और सेंट्रल लिस्ट जारी हो जाता है तब कंफर्म डेट पता चल जाएगा कि इतने तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 5-7 दिन पहले जारी होता है, और अभी यहाँ पे समय भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आप लोग जो भी कमेंट करना है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।